अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टेक्निकली ये चांद रात ही चल रही है, रात तो नहीं, खैर अब तो 2-3 बज गए हैं। तो अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लीनिंग द हाउस क्योंकि नया नहीं सोई है। एज यू कैन हेयर बाहर आवाज़ें आ रही हैं, पता चल ही रहा होगा। तो अब उसी के साथ सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। तुम्हें क्या हुआ है, तुमने क्यों मुँह फेरा है मेरे से छोटी? चलो सफाइयाँ शुरू करते हैं और अब आपको व्लॉग बना कर दिखाते हैं किस तरह बन सकता है ना छोटी। है ना, अपने हमजा करना है के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, अब इसको इस्त्री करूँगी। और ये मेरा झाड़ू का सामान, सोफे हिला रखे हैं, एंड दिस हाउस इज अ मेस राइट नाउ। हमजा पीछे सोफा खिसकाते हुए, अब आप समझ गए होंगे कि हम कर रहे हैं ईद की सफाई और तैयारी। सो एज यू कैन सी नाया का बेड उसके रूम में वापस पहुँच चुका है, मैं ऐसे क्यों दिखा रही हूँ। तो ये वापस आ गया हुआ है, वो काम कर करके मेरी हो गई है बस। ये मेरी प्लेट्स सारी निकाल ली है मैंने, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, सो हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं, हम नींबू डालेंगे। ऑल्सो इस पर हम गोइंग टू सर्व सम मीठा मे बी। ये मैंने शीर खुरमा बनाने के लिए निकाल रखे हैं, अभी ये बिल्कुल क्लीन किया है, वो मेरे ग्लव्स पड़े हैं, एंड ये कचरा जाएगा बाहर। एंड कल की पूरी प्रेप हम कर रहे हैं, ये सारे नींबू शिमको हम इसमें अभी अरेंज करेंगे। प्लस आई एम गोइंग टू मेक मैक्रोनी, सो बहुत काम है। ये 5 सेक्शन से तो ये वाला रिपीट नहीं कर पा रही मैं, मुझे वो परेशानी देता रहेगा कि ऐसा क्यों, मुझे नींद नहीं आएगी। इट्स लिटरली 5:30 AM ऑलमोस्ट। अब हमने मंगा लिया है पिज्ज़ा, थैंक गॉड कि रोज़ा नहीं है एंड वी आर एबल टू गेट पिज्ज़ा राइट नाउ, बिकॉज मैं और हमजा लिटरली एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं क्योंकि हम इतना लेट आए थे शॉपिंग वॉपिंग करके कर आके सारा कुछ। पर अभी भी मुझे मेहंदी लगानी है नाया को ताकि वो उठे और मैं उसको फ़ौरन ला सकूँ। सो लाइफ ऑफ टू पीपल, दैट इज़ लाइक आई डोंट नो लाइफ ऑफ टू पीपल क्यों बोल रही हूँ मैं, आई थिंक जोनिंग आउट, मैं इतना थक चुकी हूँ। तो बनाते हैं शीर खुरमा और फिर मिलते हैं इस इंटरवल के बाद। कड़क नोट चीज़ें वगैरह देंगे ईद के पास पास, कड़क नोट निकलते हैं ए टी एम से निकलवाए हैं बिल्कुल कड़क नोट। पता नहीं कहाँ बोल रहा था आगे नीचे जाना पड़ेगा। ये रहा मेरा pretty pizza, खोलो ना डब्बी। ये रहा मेरा थका हुआ हस्बैंड, जब इधर से पेपरोनी दिख गए थे ना आपको नहीं दिख रहे थे, खाओ ना। ये कैसे मैं फोन को कनेक्ट किया हुआ टीवी के साथ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा था, मतलब वही दिखा रही है जो इसमें आ रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है। कर दो अपने दिमाग घूम रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा टीवी में। क्या ये ही कैमरास दिखा रहे हो ना टीवी तो? ओह माय गॉड, आपको समझाना मुश्किल है, अब छोड़ दे। मेरा शीर खुरमा इज रेडी, इनको मैंने 3 डिशेस में कर दिया। क्या यार स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, टीवी ओपन, आई डोंट नो व्हाई। सो दिस वाज द मेहंदी दैट आई गॉट। अब मैं ये लगाने जा रही हूँ इस लड़के को, मेहंदी लगाना सुन्नत है। मैं एक हाथ पे अपना नाम लिखूंगी और एक हाथ पे इनाया का नाम लिखूंगी। हाउ डू यू फील? वैसे लिखा होगा मैंने तो उससे लिखने के लिए, वो तो फिर टेंपरेरी है। रोमांस रोमांस रोमांस, कैसे अपने बाबा लग रहे हो, बिल्कुल डिट्टो शक्ल सेम। मैं ना यहाँ पर इधर कहीं अटैच करूंगी हमजा के बाबा की जवानी पिक, और आप लोग मुझे कॉमेंट में बताएगा इफ हमजा रिजेंबल्स हिम एग्जैक्टली अभी फिलहाल या नहीं। डुडन डुडन डुडन, ये तो नहीं चलती यार, सईद गनी भी धोखा देगा। यू में लिखना है या यू में लिखना है भाई, जैसे भी लिख दो। नहीं ना आप बताओगे वैसे। अरे भाई बता दो प्लीज यार, नहीं यू में लिख दो, यू में नहीं ना। तमीज़ी नहीं करो मेरे साथ। ओह ओह, अच्छा तो ये क्या का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन करेगी क्योंकि ए लूं या बी लूं, तो हम बोलेंगे ना ए लो तो नहीं बी ले लेती हूँ, और अगर हम बोलेंगे बी लो तो नहीं ए ले लेती हूँ, तो जो चाहिए उसका उल्टा बोलो। टोटली उल्टा करके पूछती क्यों हूँ, चुप रहो ना, बहुत हंस रहे हो तो हिल रहे हो। अच्छी रहा हैंडराइटिंग आपकी यार, मैं लिखूंगा तो कीड़े मकोड़े बनेंगे। नजर लगा दी इतना प्यारा लिखा करोगे तो फिर तो हर रोज लगवा सकता हूँ मेहंदी। यार आपको क्या हो गया यार, क्यों शादी रोमांटिक नहीं हो रहे आप मेरे साथ, मुझे आदत नहीं है ना। नींद आ रही है ना। अच्छा आप क्या बना रही हैं?
लग नहीं रहा है हार्ड जैसा का। तो आज तक मैंने जिंदगी में मेहंदी नहीं लगाई है खुद को या किसी को भी नहीं लगाई है। लग तो रहा है हार्ड जैसा। भाई लोग आज मैं फर्स्ट टाइम खुद को मेहंदी लगा रही हूँ ईद की सुबह में। ईद पे ही 7 बज रहे हैं, नमाज आने वाली है। मतलब हमजा इज ट्राइंग टू डू सम आर्ट वर्क ताकि दूसरे हाथ पे कुछ लग सके। ये क्या है आर्ट? कहाँ से भूखा है इसका? हाँ बुरा नहीं है, जैसे बना सकते हैं बना दो। ये बेचारी मेरी किचन की कैंची के सारे काम करती है, कपड़े भी काट देती है, मेहंदी की कोन भी काट देती है, सारे मसालों के पैकेट भी काटती है। नहीं कैंची मेरी। हमजा का कहना है कि इनाया हमजा ज़्यादा प्यार करती है और मैं कम, लेकिन इसको करीब करूँ मैं समझाऊँ लोगों को। इसको ये नहीं समझ आता कि इनाया मैंने पहले लिखा था ईशा बाद में, इनाया मैंने मोटा मोटा लिखा, ईशा मैंने कम मोटा लिखा है। मगर प्यार मैं ज़्यादा करती हूँ, इनाया कम। लेकिन इब्लीस इब्लीस रमज़ान ख़त्म हो गया ना, इब्लीस छुट गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टेंशन से हो गई कुछ। हाँ भाई लोग, तो ये वाली मैंने खुद लगाई है, अब इस वाली पे हमजा ड्राइंग करने वाला है, तो देखते हैं क्या होएगी फिर। या अल्लाह मदद, डेडिकेशन। चलो जैसी भी लगाओगे इतनी फीलिंग नहीं करो, फीलिंग नहीं करो सब। व्हाट इज दिस यू नो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मुझे नहीं आती। अच्छा ठीक है, आप ना ज्यादा फीलिंग नहीं करो, आप बस कंट्रोल में रहो, कंट्रोल योर इमोशंस इन योरसेल्फ। ऐसा आप ऐसे कर लो, वी बना लो आप, मैं उसमें भी खुश हूँ। फीलिंग नहीं करो ज़्यादा से। हाँ हाँ मैं खुश, बहुत वाओ जानू। डोंट ओवर डू एनी थिंग, जस्ट मेक वीज, आई एम हैप्पी विद इट। कौए उड़ रहे मैंने अचानक को ख़राब नहीं करो मेरी मेहंदी। मैंने पहले बोल दिया था। कोई बात नहीं, जस्ट लुक एट द डेडिकेशन ऑफ माई हस्बैंड। मेरे निकाह पे भी आपने मेरी मेहंदी खुद लगाई थी बाय द वे, आपको पता है ना बात। पहली ईद पे भी, पहली ईद पे भी हमजा ने मेहंदी खुद लगाई थी, और इनाया के बॉर्न होने से पहले भी और इनाया के बॉर्न होने के बाद भी। माशाल्लाह। कोई बात नहीं, कहो या तो क्या हुआ? एक हाथ में मोहब्बत है और एक हाथ पे काला जादू। यार हिलो नहीं ना, देखो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो। बहुत एल वी थोड़ी बेच रहा है कपड़े, वी बना रहे हो पक्का पक्का। इन वॉट लैंग्वेज इज इट अ हार्ट, लाइक इन वॉट वर्ल्ड? इसमें से कोई भी एक हार्ट जैसा नहीं दिखता। फीलिंग कर देता। नहीं नहीं डोंट प्लीज डोंट। कैसे करना? आप जस्ट इधर करो, ये जो थंब के वाले तीन है, प्लीज मेरे थंब पे मतलब नेल पे मत लगाना, नेल पे नहीं से जा। कैसे करूं? सीधा करो। टपक रहा है ऊपर। नेल पे लगाना, नेल पे रंग नहीं जाता, याद रखना है मेरी बात। माफ नहीं करूंगी मैं। कोई बात नहीं यार, आपके यार आप मुझे सीधा होके दिखाओ ना, फिर मैं बता दूंगा। ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, ये पॉटी बना रहे हो मेरे हाथ पे। उल्टा बन रहे, सब उल्टा बन रहे। ये अच्छा है बट ये आधे कैमरा यार। अल्लाह मियां, इन इतने कम गैप के साथ आके और दिल भर सको मेरे हाथ पे। ओह माय गॉड, ओनली गॉड कैन सेव मी नाउ, यू रुइंड माय हैंड, आई वांट टू क्राई। आप बना रहे थी ना उदी में। यार नीचे हमजा लिख दो, आई थिंक दिस शुड बी इट। वो तो ऐसे पोटी लगेगा ना, लिखूंगा तो कोई बात नहीं, पेंसिल नहीं लिखा जाता मुझसे। अच्छी हैंडराइटिंग है मैं बता रहा हूं, पहले बॉन्ड करूंगा। अच्छा कुछ भी नहीं है अब, लेकिन अब जो तबाह होना था तो जो लिखना है लिख दो यार, इट्स टू लेट टू इवन क्राई नाउ। जिंदगी तो हो ही गई है बर्बाद, बस ये ईद जल्दी खत्म हो और ये मेरे हाथ से हटे। अच्छा कैपिटल में, ओहो दिल बनाओ ना, दिल से बनाओ। यहाँ तक तो सीख भी बन रहे थे, नीचे आते आते पूरे चमगादड़ ही हो गए हैं। हमजा पे क्यों हुआ? खुद ही कर रहे हो अपने ऊपर जादू, कौए और चमगादड़। जाओ यार, चल जाओ यहाँ से। कितना भाई याद अल्लाह से, देख पकड़ो मैं डिफरेंस दिखाऊं। वही दिन चल रहा है, इट्स जस्ट ईद स्टार्ट हो गई है, मैंने मेकअप कर लिया है एंड लाइट शाइट खोल ली गई है, सो आई एम लुकिंग प्रिटी। बस कपड़े चेंज करने हैं, इस्त्री करके इनाया की मेहंदी लगानी है, एंड देन वी विल बी गुड टू गो। तो आई चलें, लेट्स स्टार्ट द डे विद जितनी भी बची कुछ एनर्जी मुझ में अब बाकी है, और बाल बाल बाद में खोल लेंगे, झुमके शुमके डाल लेंगे। मेकअप कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बता। हमजा का कुर्ता भी आयरन कर लिया, लेकिन साथ साथ मेरी टैसल टूट चुकी है। आई एम सो अपसेट, फील लाइक क्राइंग राइट नाउ, जिसको जोड़ना पड़ेगा। काम से बढ़ते जा रही है, मेरे कपड़े टंगे हुए पीछे। या ईद मुबारक। What? What? Hey.
सेकंड ना के चक्कर में मेरे हाथ में पता नहीं क्या कुछ बन रहा है। एप्पल बन रहा है अब। ये तो एप्पल नहीं लग रहा है। लग रहा थोड़ा। क्या कर सकते हैं? ये मुश्किलों से मान ही है लेकिन पांव पे बनवाने के लिए। चलो जाओ वॉश करा के आओ फिर पता चलेगा कितने मजे का कलर निकलता है। देखो डैडी के हैंड पे देखो कितनी सारी चीजें बना दी। अब तो हमने एप्पल बना दिया, स्पाइरल बना दिया, हैप्पी फेस बना दिया। फाइनली बहुत मुश्किल से कन्विंस हुई है लगवाने के लिए। चलो डॉट लगाते हैं। डॉट डोंट मूव, जानू स्ट्रेट रखो। डॉट डॉट डॉट। सो हूएवर थॉट कि मैंने नहीं सिला होगा मैचिंग, मैंने सिला है। एंड हियर वी गो, दिस इज माय यायू एंड या शो। इवन आवर कुर्सेज आर मैचिंग, सेम सेम शूज एंड मम्मी एंड याया के सेम सेम क्लोथ्स, माशाल्लाह। मेरी छोटी सी बिल्ली आप दिख गया उसको। हमारी सवारी चल पड़ी है, हम लोग जा रहे हैं मेरी मामा की खाला के यहाँ। और ये मेरी आया है जो पीछे पानी के साथ गंदगी कर रही बंदरी। मैंने देखो अपनी अच्छा नया वाली दिखाई है। चलो ऐसे आ जाओ या जनु कुछ कहो कहो नहीं तारीफ कर दो। अच्छा चलो कैसी लग रही हूँ मैं आज। हमने सनरूफ खोले बाद में। ओ ये नोटिस नहीं करा मुझे से नोटिस, मुझे से बाहर निकलोगे तो दुनिया नोटिस करोगे ना। और ये जो जुल्फे उड़ेंगे नेचुरली डैडी भी आज काफी हॉट लग रहे हैं मेरी पसंद के कपड़ों में। शर्मा भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं क्या नहीं शर्माता नहीं, मैं ये नहीं पता रिस्पांस कैसे करता। सो वी आर हियर, याया पीछे चीख रही है, हम सब गॉन टू गेट हर आउट ऑफ हर कार सीट। ये चलो सबको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय। सो उमैमा प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ दिस। जिया ने और ये खा रहा है मिठाई उमैमा ने बनाई है। एंड लाइक देयर आर द सॉसेस। नहीं ना तो ऐसा मारा फक नॉट बन गया पर मैं हमेशा अपने और नाया के कपड़े एक जैसे इसलिए बनाती हूँ ताकि हम साथ में एक कोई ढंग की पिक्चर ले सकें, बट दैट डज़ नॉट हैपन कभी भी क्योंकि वो एक जगह रुकती ही नहीं है। और आज भी यही हुआ दैट वी डू नॉट हैव एनी पिक्चर टुगेदर, नॉट इवन अ वीडियो जिसमें डिसेंट लग रहे हो हम लोग। सो हियर इज़ अ शॉट ऑफ मी एंड हमजा सिटिंग टायर्ड। चलो भाई आधे लोग हम लोग सब जा रहे हैं, आधे लोग मैं आएंगे। डैडी के साथ हम बैठ सकती हो, मम्मी के साथ नहीं बैठ रही थी। केयरफुल 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 जाओ। ये डाउन आ जाओ जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। डाउन
या इधर उसको इस टाइम तो बिल्कुल नहीं रुकना यहाँ पे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ना। मुन्नी पैसा ही पैसा होगा आज। और ये आ गई मेरी बड़ी अम्मा, हमेशा सबके लिए नोट्स भी लिखती है, हम सबके लिए अलग अलग नोट्स लिखे होंगे आई एम वेरी श्योर। आप लोग भी पढ़ सकते हैं हमारे इन क्या कहते हैं इसको प्राइवेट नोट्स, लेकिन दिस इज व्हाट बड़ी अम्मा ऑलवेज डस। पैसा ही पैसा। ये थी आज की हमारी टोटल कमाई, कम वाले सेक्शंस मेरे और हमजा के हैं और ज़्यादा वाली ऑब्वियसली इनाया के, क्योंकि सब ज़्यादा प्यार करते हो उसको और उसको ज़्यादा ईदी मिलती है। अब आप भी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं आपकी कितनी ईदी जमा हुई। चलो इसको दबा देते थोड़ा। और आप सब सुनाएं कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं, कैसे हैं आप लोग। हम जी ईद के दुनिया से घूम घाम के थक हार के बिस्तर पर बैठे हैं। फालतू मेरी कॉफी Anyway, so yes, see you in the next vlog and Eid Mubarak.